नवाज शरीफ का दिल टूट गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में सियासत एक मैदान कारजार है जो हमेशा गर्म रहता है। रमजान में जब शैतान कैद हो जाता है तो पाकिस्तान की सियासत में भी ठहराव आ जाता है और ईद के बाद फिर वही चाल बेडंगी सी। लेकिन यही सियासत है जो हमें रोज कुछ न कुछ नया भी सिखाती है। मसलन इस वक्त एक बीमारी का बहुत चर्चा है जिसका नाम है टेकोटसुबो सिंड्रोम। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बला है, आए आपको बताते हैं। असल में लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमा जेर समात है जिसमें शरीफ खानदान पर इल्जाम है कि उन्होंने चौधरी शुगर मिल्स के जरिए अपने काले धन को सफेद किया है। इसकी समात के दौरान अदालत में एक मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया गया तो उन्हें टेकोटसुबो सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो पाकिस्तान ना जाएं क्योंकि वो पहले से दिल के आरजे में मुब्तला है। लेकिन क्या आप जानते हैं टेकोटसुबो सिंड्रोम का आम नाम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, यानी दिल टूटने की बीमारी। अगर वाकई ऐसा है तो भैया यहाँ तो सभी दिल जले हैं। खैर, जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बीमारी होती क्या है। डॉक्टरों का कहना है कि ये मर्ज बहुत ज्यादा परेशानी या जहनी दबाव की वजह से होता है और इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जहनी परेशानियों में किसी अजीज की मौत वाकई हो जाना, माली मसाइल, नहीं, माली मसाइल कहाँ हो सकते हैं शरीफ खानदान को। चलिए आगे चलते हैं। वैसे किसी हादसे, किसी झगड़े से या अचानक बीमार पड़ जाना वगैरह, जबकि अचानक किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो जाने की खबर सुनने या किसी कुदरती आफत से डर जाने से भी ये बीमारी हो सकती है। फिर अचानक नौकरी खत्म हो जाना, अरे भाई अब शरीफ लोग नौकरी भी करेंगे क्या। खैर, बीमारी की मजीद वजूहात में किसी अवामी इज्तिमा से खताब करने, स्ट्रीट क्राइम में लूट जाने के खौफ से भी ऐसा हो सकता है। और सिर्फ बुरी खबर से ही नहीं बल्कि अचानक खुशी मिल जाने से भी ये मर्ज हो जाता है, मसलन शादी हो जाना। दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना। खैर, लॉटरी निकल जाना या फिर अचानक कोई बड़ी कामयाबी मिल जाना भी टेकोटसुबो सिंड्रोम का सबब बन सकता है। लेकिन ये मुई बीमारी आई कहाँ से है? सबसे पहले इसका पता 1990 में जापान में चला था, इसलिए इसका नाम भी जापानी में ही है। आमतौर पर हमारे यहाँ दिल के अमराज को मर्दों की बीमारी समझा जाता है क्योंकि खवातीन अपनी तमाम जहनी परेशानियां मर्दों को देकर खुद बड़ी लंबी उम्र जीती हैं। लेकिन टेकोटसुबो सिंड्रोम खालिस जनाना बीमारी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मर्द में मुब्तला 90% खवातीन है। शायद यही वजह है कि इसके ज्यादातर मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। टेकोटसुबो सिंड्रोम में मौत की शरह तकरीबन 1% है, यानी ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। ये एक आर्जी बीमारी है जिससे तबीयत मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकती है। अगर अलामत देखें तो सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किल, धड़कन का तेज हो जाना और कभी कभी मतली की कैफियत होना शामिल है। इस बीमारी में दिल का बायां खाना बड़ा हो जाता है और इसकी शक्ल बदल जाती है। यूं दिल जिस्म को इस तरह खून फराहम नहीं कर पाता जिस तरह वो आम तौर पर करता है। वैसे टेकोटसुबो सिंड्रोम हार्ट अटैक से मुख्तलिफ बीमारी है। दिल के दौरे का मतलब है दिल की शरियान तकरीबन या पूरा बंद हो जाए, जबकि दिल टूटने की इस बीमारी में शरियाने मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, अलबत्ता इनमें खून का बहाव जरूर कम हो जाता है। तो मियाँ साहब, इस बीमारी से आपको कुछ नहीं होने वाला, वतन वापस आ जाएं, यहाँ के आवाम को आपकी बहुत जरूरत है। और बल्कि यूं कहें कि शरीफ अंपायर को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के लिए आपको पाकिस्तानी आवाम की बहुत जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद है आपके लाइक और शेयर करने से हमारी ये इल्तिजा मियाँ साहब तक जरूर पहुँच जाएगी। तो शुरू हो जाएं, लाइक और शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।